बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। मैं हूं शहज़ेब आरिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SSTV। तो आज फिर फार्म पे आया हूं अपने और दिखाऊंगा कि क्या नए बछड़े हमारे फार्म पे आए हैं, और पुराने बछड़ों को भी दिखाऊंगा जिनके हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो किसी भी भाई को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो या मेरे फार्म का विज़िट करना हो तो आप मेरे फार्म पर आ सकते हैं, लेकिन सैटरडे संडे नहीं, क्योंकि मंडी में हमें काम होते हैं तो सैटरडे संडे मैं आपसे नहीं मिलूँगा। बाकी दिनों में आप जब आएँ मुझसे रब्ता करके हैं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगा। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, 03048081821 ये मेरा नंबर है। और चले वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि हमारे फार्म पे क्या न्यू एंट्री हुई है, और आपको भी दिखाता हूँ, खुद भी देखता हूँ। खुद तो मैंने खैर देखा हुआ है, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए जनाब, अपने फार्म का आज विज़िट कराता हूँ। काफ़ी सारे हमारे पास जानवर इस वीक नए आए हैं और आपको दिखाता भी हूँ कौन कौन से हैं। ये भी नया आया है, ये वंडा खा रहा है अपना सुकून से। चलो जी, ये है जी हमारे अमजद कृषि भाई कराची से, ये उनका बछड़ा है, ठीक हो गया। ये तो आपने देखा हुआ है, अहमद भाई का USA से। ये अमीन भाई का, ये चाचा इनको सबको वंडा डाल रहा है। ये साथ ही खड़ा हुआ है एहसन भाई का, चेक करें जी, माशाल्लाह बच्चे। अच्छा ये वाला बछड़ा दो, एक जोड़ी लाया था मैं, एक बिक गया है। ये वाला बछड़ा फॉर सेल है, अगर किसी को चाहिए हो तो इसकी पर्सनल वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, वो आपको दिखा दूंगा। ये मुल्तान से एक भाई है हमजा भाई, ये उनका बछड़ा है। ये आमिर भाई का जो नया है वो दिखाता हूँ आपको, ये फॉर सेल है, दो दांत का बछड़ा भाई। किसी को चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी एक जो है ये आया है बछड़ा अभी फ़िलहाल, ये ज़रा खाने पीने में मसरूफ़ है, इसके सींग हमने बनवाने हैं, नुकरा अभी साइड पर खड़ा रहा। ये है उमैर भाई सऊदी अरब से, ठीक हो गया, ये चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन सींग इंशाल्लाह मैं कल या परसों में निकलवा दूंगा, फिर इसको चेक कीजिएगा आप। वंडे का टाइम है जी, वंडा इनको डल रहा है, जगह का थोड़ा सा मेरे से मसला बन रहा है, इंशाल्लाह एक दो दिन में जगह मैं कोश ढूंढ रहा हूँ, रोज़ाना डेली बेसिस पे जा रहा हूँ कि मुझे कोई बड़ी जगह मिल जाए। जो थी वो ज़रा तंग करा बंदा, नहीं तो फिर अगर नहीं हुई तो फिर मैं यहीं पर ही कुछ सीन करूँगा, सेटिंग करूँगा। ये है जी हमारे सुफियान भाई, खा रहे हैं अभी बछड़े। ये आए हैं बछड़े जी चार इस दफ़ा पिशावर से, जो हैं हमारे फयाज़ भाई, उन्होंने लिए, उन्होंने भेजे हैं। ये हैं बछड़ा एक, ये चारों बछड़े। ये चीना बड़ा खूबसूरत है नाम सर के हिसाब से, लेकिन मारता है ये थोड़ा सा। ये देखें जी बच्चे सारे के सारे खूबसूरत है, खा अभी इनको चारा वारा डाला हुआ है तो अभी खा पी रहे हैं। अच्छा ये पहले नखरे करता था ऐसा वही वाला, माशाल्लाह अब काफ़ी सेट हो गया, अब खड़े रहो यहाँ पर तो ये चुप करके अपना खाने पीने में लगे रहते हैं। ये वाला मार रहा भाई, हम जो कुरेशी भाई का बछड़ा, ये चेक करें। नुकरे का सींग इंशाल्लाह बनवा लेने मैंने कल परसों, ये देखें फेस ब्यूटी थोड़ा सा इसका है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये देखें उमैर भाई सऊदी अरब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं। ये वाला बछड़ा जो है वो फॉर सेल है, इसको बेचना है मैंने, इसकी मैं वीडियोस पर्सनल मेरे पास पड़ी हैं। कोई भाई भी कॉन्टैक्ट करेगा मेरे नंबर पे 03048081821, इस नंबर पर मुझसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह मैं डिटेल्स दे दूँगा इसकी। ये चेक करें, बाकी यहाँ वाले बच्चे भी भाई खाने पीने में लगे हुए। ये वाला बछड़ा मैंने ये वाला वो जो आपको कह रहा हूँ फोर से लिए मैं कट्ठे लाया था, ये वाला बिक गया है। और ये है सलामत भाई ओमान से, ये उनकी अमानत हमारे पास मौजूद है, ठीक हो गया। और ये है सुफियान भाई का, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए। चेक करो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह से।
ये वनडे अभी जो बच गए हैं चाचा वो डाल रहा है। ये है एसन भाई का, ये तो है ही माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चीज। और ये बछड़ा भी है, ये वाला बछड़ा भी है जी हमजा भाई मुल्तान से, ये बछड़ा उनका है। नुकरा तो मैंने आपको पिछली दफा दिखाया ही था, अनमोल रतन गाय, और ये इसका बच्चा। तो इंशाल्लाह लाइव भी आएंगे और आप लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला, एक दिन वीडियो और एक दिन लाइव, ताकि जिस भाई को भी सवाल करने हो कोई भी, तो ऑन द स्पॉट हम मौके पर मौजूद हों। ये बात से कमेंट्स में आंसर हम नहीं दे पाते, तो जब लाइव आता है तो बंदा उसी वक्त आपको आंसर हम दे सकते हैं। ये देख सकते हैं ये सब कुछ चारा वारा डल रहा है, चाचा जी अपने काम में लगे हुए हैं। छोटे बछड़े ये जो हैं इनको हमने साइड पर बांधने हैं अब, और बड़े वाले बछड़े सारे एक साइड पर। अभी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं ढूंढ रहा हूँ फार्म, तो जैसे मुझे फार्म मिला मैंने शिफ्ट कर लेना अपना फार्म, और जो मजीद बछड़े आएंगे वो इंशाल्लाह मैंने आपको फिर दिखाने हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा प्लान ये है कि ये जैसे ये खुरली बनी हुई है ये सारी इस दीवार पर भी, और इसी तरह ये दीवार निकाल देनी है फिर, और इस तरह इस दीवार पे और यहाँ तक ये जहाँ तक चाचा जी खड़े में यहाँ तक खुलियाँ लगा के, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर ऊपर शेड बना लेना तरीके से, और ये बछड़े फिर वहाँ बंधेंगे। लेकिन पहले मेरी कोशिश यही है कि जगह हमें और मिल जाए, ताकि मजीद बछड़े भी आए तो फिर हमें कोई मसला ना हो। अभी फिलहाल ये तो हैं, अभी एक दो दिन में हमारा मजीद अगर यहीं रहा तो फिर यहाँ पे पंखे वगैरह ईज हर चीज़ हमने यहाँ पे सेट कर लेनी है। तूड़ी वगैरह भी हमारे पास पड़ी होती है, ख़त्म नहीं होने देते, पहले ही मंगवा लेते हैं। ये देखें तूड़ी, ये चारा, ये वनडे वगैरह, वनडे के ये बनते हैं दोनों, चाचा जी ने बना बनो के खाली कर दिया और इनको सबको डाल दिया और सब खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिजल्ट ग्रोथ आपको वीडियो से ही पता चल रहा होगा कि कैसे ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह से। पुट्ठे आप सबके देख सकते हो गलाइयों की तरफ जा रहे हैं, जो पहले के खड़े में वो तो आप देख सकते हो, जो अभी आए हैं उनका रिजल्ट तो जाहिर बात है दो तीन हफ्तों बाद ही नजर आएगा। ये सेट करें, खा ले बेटा, चलो मार लो आप पहले। नहीं जाने देगा भाई, जैसे चले जाते हैं। ये फयाज भाई के बछड़े आप देख सकते हो, फयाज भाई अगर देखेंगे वीडियो तो जारी बात है वीडियो तो देखेंगे ही, ये आपके बछड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह सही खा रहे हैं। इन सब की वैक्सीनेशन हो चुकी है, जो डिवॉर्मिंग वगैरह जो मुखर वगैरह की सारी वैक्सीनेशन होती है वो हो चुकी है, ताकि इन फ्यूचर भी इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। चिचड़ वगैरह लग गए थे बछड़ों को, वो भी हमने दोबारा से डिवॉर्मिंग कर दी, अल्लाह पाक खैर करे वो भी सही हो चुके हैं। तो किसी भाई को कुछ रब्ता करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। मेरे नंबर 03048081821 ये मेरा नंबर है, हम उससे रब्ता कर सकते हैं। फार्म के हवाले से किसी भाई ने भी विज़िट करना हो तो आप मेरे फार्म का विज़िट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको विज़िट कराऊंगा। बस ये है कि सैटरडे संडे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए आने में, क्योंकि वो मंडी में मुझे थोड़ा सा मसरूफियत होती है, तो उस वजह से मैं आपको थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाऊँगा फार्म के हवाले से। बाकी आम दिनों में आप जब दिल करें आप आएँ, रब्ता करके आएँगे तो मेरे लिए थोड़ा आसानी होगी, मैं अभी आपसे ज़रूर मुलाकात कर सकूंगा फिर। अल्हम्दुलिल्लाह कल से ही ने जो ऑयल वाले हैं जो ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं उनका ऑयल वगैरह सब कुछ शुरू हो जाना है बछड़ों का, वो मैंने ले आना कल। बच्चे आपके सामने हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है,
लोगों ने एतबार किया, भाइयों ने, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह उनके एतबार पे पूरा उतरूं। सबके बशर में बार बार दिखा रहा हूँ कि जिनकी अमानतें मेरे पास मौजूद हैं वो देख सकें और तसल्ली कर सकें अपनी चीज़ें। ये लो जी, चलो भाई चाचा जी, हो रहे हो ये बच्चा खोलो, चारा खा ले पहले, आप खोल दो, आप मैं फिर जाना है मुझे, फिर आप खाते रहेंगे चारा। आइयो आइयो, ये बछड़ा है जी फोर से, ये मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो इस वजह से मैं इसको खोल के दिखा के वीडियो बंद करके फिर निकल रहा हूँ, फिर ये खाते पीते रहेंगे सुकून से। चाहिए बछड़ा भाई फोर सेल है, किसी को चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 03048081821। बांध दो, बांध दो भाई, बांध दो, वो क्यों आपने हटाया उसको, तंग कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।